चौथम संभाग के प्रतीक सूफी संत हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स ताजाबाद शरीफ उमरेड रोड में 3 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। उर्स में देश भर के जायरीन बाबा हुजूर के दरबार में हाजिरी लगाने एकत्रित हुए हैं। उर्स का आगाज परचम कुशाई की रस्म के साथ उर्स की शुरुआत हुई। ताजाबाद दरगाह में बाबा के श्रद्धालुओं से हमने खास बातचीत की है। दो साल के कोरोना के प्रतिबंध के बाद इस साल जो है कोरोना के प्रतिबंध नहीं है और जो लोग हैं यहाँ पे श्रद्धालु जो है सौवे उर्स के चलते यहाँ आए, हम उनसे जानेंगे कि इस साल वो यहाँ आए उन्हें कैसा लग रहा है। मेरा नाम शबाना है और मैं हम आगरे से आए हैं और हम हर साल आते हैं और बेहतर से बेहतर इंतजाम मिल रहे हैं और इस बार तो बहुत अच्छा इंतजाम हुआ ड्रेस की तरफ से और हर चीज के लिए बहुत फैसिलिटी दी गई है। क्या बताओगे, हर साल आप आते हैं हर साल के मोबाइल क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज का इंतजाम है और बहुत ही जोश कर रहे हैं। बाबा के दरबार में रिक्वेस्ट लेके आते हैं जो उनकी पूरी हो जाती है और सभी लोगों का यहाँ पे तांता बना रहता है हर वक्त और हर वक्त लोग बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पे और ट्रस्ट का इंतज़ाम तो हमेशा पहले से बेहतर ही दिखता है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं हमें पहले से बेहतर ही मिलता है और इस बार तो बहुत ही अच्छा है और बार बार अपने हर चीज़ की हिफाजत के लिए उसके लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, ठहरने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ का बेहतर इंतज़ाम है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु हैं, उनसे जानेंगे। दो साल के बाद जो है उर्स जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आप यहाँ आए हो, क्या बताओगे? यहाँ पर दो साल के पहले कोरोना काली का माहौल था, इस वजह से कुछ हमको आने नहीं मिला। इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए और इसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सबका साथ कब का विकास बहुत अधिक आहे। आमच्या नागपूर शहराची शान असलेले ताजुद्दीन बाबाच्या दर्गाची 26वीमध्ये सर्व समाजाचा समावेश असतो आणि सर्व समाजाचे लोक इथे एकरूप होऊन हा उत्सव 2 वर्षानंतर कोविड काळाच्या नंतर अतिशय आनंद साजरा करत आहे आणि आम्हाला म्हणजे नागपूर शहराला एक असं प्रोत्साहित स्थान आहे की संत ताजुद्दीन बाबाचे उर्स आमच्या नागपूर शहरात होते आणि नागपूर शहरातील प्रत्येक माणसाला असं वाटतोय की आमच्या घरचा उत्सव आहे आणि हा उत्सवाच्या सगळ्या ना माझ्याकडून शुभेच्छा आणि इथे येणाऱ्या सर्व भक्तगण किंवा भाविकांना ही माझ्या मनापासून शुभेच्छा देते। नमस्कार, मी राजेश जोशी भगवान नगरला राहतो आणि आज बाबाचा उर्स सुरुवात झालेली आहे ते विहंगम दृश्य बघायला इथे आलो। अतिशय सुंदर व्यवस्था या लोकांनी कमिटीने केलेली आहे आणि आता तर संध्याकाळ होत आलेली आहे, अंधार होत आलेला आहे आणि या रोषणाने अजूनच चार चांद लावलेले आहे। अनेक वर्षापूर्वी मी एक नवीन प्रयोग इथे केला होता, या ताज असे उडती तबकडी रात्री उडवली होती, आता पुढच्या वर्षी मी काहीतरी वेगळं करणार आहे। आज खूप प्रसन्न वाटत आहे इथे येऊन मला, धन्यवाद। इथली जी व्यवस्था आहे नेहमीपेक्षा यावर्षीची व्यवस्था हो जास्ती चांगली वाटते, दरवर्षीपेक्षा यावर्षीची व्यवस्था अतिशय चांगली दिसते आणि जिकडे पाहा तिकडे पोलीस बंदोबस्त अतिशय सुरेख आहे, लोक पण शांत त्यांनी इकडे तिकडे फिरत आहे, आनंद घेत आहेत, अतिशय भावनिक वातावरण इथे निर्माण झालेलं आहे। हनीफ अली, सेंट्रल वर्क काउंसिल मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं हैदराबाद से आया हूँ। करीब 35 साल पहले जब मैं आया था यहाँ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में बहुत बड़ा फ़र्क है। ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, चूँकि वक्फ काउंसिल मेंबर के नाते सारे देश के हर रियासत में वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्शन होता है, तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के बहुत बुरे हालात हैं, उसके बावजूद ताजाबाद का जो ट्रस्ट जिस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया है और यहाँ पर जिस तरीके से ज़ायरीन की खिदमत की जा रही है मैं मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में ये दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता और अनेकता की एक मिसाल दिखती है।
जैसा हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो दरगाहों पर ही नज़र आता है। मैं हाजी एजाज देशमुख, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता। आज हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सवां उरूस है। इस उरूस के निमित्त यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हर समाज के लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक एक श्रद्धा स्थान है। यहाँ पर हर समाज के लोग आते हैं। इस बार प्यारे खान साहब जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनकी क़यादत में बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रीमाइसिस का डेवलपमेंट हुआ है ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है, जो कि माननीय देवेंद्र फडणवीस, माननीय नितिन गडकरी साहब की क़यादत में और माननीय मोदी साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पर हुआ है। धन्यवाद। मैं एसएम अकरम, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बाबा ताजुद्दीन हजरत की दरगाह पर आज यहाँ पर मैंने हाज़िरी दी, चादर पेश करी, और उस चादर पेश करने के बाद मैंने ये देखा कि मैं हिंदुस्तान की सभी दरगाहों पर मेरा आना जाना होता है, लेकिन जो इंतज़ाम यहाँ पर हैं वो इतने काबिल तारीफ़ हैं कि मैंने शायद ही किसी दरगाह पर देखा हो। हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह हो, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह हो, वहाँ पर भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जितनी बखूबी पिछले 2 सालों में कोविड के बाद भी यहाँ जो इतना अच्छा काम हुआ और जितनी अच्छी ट्रस्ट यहाँ पर काम कर रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार का भी योगदान है, मोदी जी की सरकार का योगदान है, गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इन सभी लोगों ने जो यहाँ मेहनत करी है, अल्लाह इसका अजर देगा। और सभी मुस्लिम भाइयों और दूसरे लोगों को जो यहाँ पर अकीदत रखते हैं उन सबको यहाँ से बहुत फैज़ मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ये सब हुजूम और ये सब आते हैं। और मैं भी यहाँ इस चौखट पर आता हूँ और अपनी दुआएँ मांगता हूँ, मुझे पूरी होती हैं और इंशाल्लाह आगे भी आता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है, ऐसा मेरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद खान, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री हूँ, और हम हैं हज़रत ताजुद्दीन बाबा के दरबार में नागपुर में। ये हज़रत ताजुद्दीन बाबा का सालाना सवा उर्स है और भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये एक योगायोग है कि इस कोविड के बाद में 2 साल के बाद में ये उर्स शुरू हुआ है सवा, तो यहाँ पर काफ़ी देश विदेश से ज़ायरीन आ रहे हैं, काफ़ी लोग आने वाले हैं, कल 26 भी है तो कल तो अनलिमिटेड लोग रहेंगे। तो इस मौके पर मैं चाहूँगा कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे नागपुर के वासी ने उन लोगों को अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती करना चाहिए। यहाँ के ट्रस्ट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, फिर भी हम यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के भी काफ़ी लोग यहाँ आए हैं कि जितनी खिदमत हो सकती बाबा के आने वालों ज़ायरीन लोगों की हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु थे, उन्होंने अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं हमें यहाँ पे साझा किए और बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल जो व्यवस्था की गई है आने वाले बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा यहाँ किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।